समर वेकेशन स्विमिंग पूल समर ट्रेनिंग कोच। एक गांव में एक स्विमिंग पूल था, उसमें गांव के लोग तैरते थे। उधर छोटू कहकर एक आदमी स्विमिंग कोच जैसा काम करता था, तैरना नहीं जानने वालों को तैरना सिखाता था। ऊपर ही खड़ा होकर छोटू, सही से हाथ हिलाओ भाई। छी छी, क्या है वो हाथ हिलाना? ऐसा हिलाया तो तुम इस जन्म में तैरना नहीं सीखोगे, कहा। और एक लड़की से, तुम क्या है इतना धीरे से मार रही हो? हाथ ही नहीं पैर को भी मारना है, कितने बार कहने से भी भूल जाती हो, क्या है ये? कहकर तैरना सीखने वालों के ऊपर गुस्सा करता था। एक आदमी को गुस्सा आकर, पानी में उतरे बिना जब भी देखो ऊपर से चिल्लाते रहते हो भाई, पानी में उतर कर सिखाना है ना, कौन सा किस्म के कोच हो तुम, कहा। तब चोटू, तुम्हारे मुंह के लिए पानी में उतरने से भी तुम लोगों का तैरना नहीं आता है, तुम चुप रहो, कहकर डांटा। चोटू के पास टाइगर कहकर एक कुत्ता था, वो कुत्ता कहे तो चोटू को बहुत पसंद था। उसी के साथ बाहर जाना, उसी के साथ सोना, ऐसा करता था। टाइगर को एक बुरा आदत था, वो दीवार के ऊपर या खंबे के ऊपर सुसु नहीं करती थी, केवल लोगों के ऊपर ही वो सुसु करती थी। उससे लोगों को गुस्सा आकर उसे कुछ नहीं कह पाकर चोटू को पकड़कर खूब मारते थे। हर रोज चिड़ियों से चोटू के घर में आकर उसे मार के जाना लोगों को आदत बन गया। चोटू को भी लोगों से मार खाना आदत जैसा बदल गया था। ये देखकर चोटू का बीवी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन चोटू की बीवी, छी, कौन सा किस्म के आदमी हो तुम, मार मार के लोग थक रहे हैं, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे प्यारे कुत्ता को बुद्धि नहीं आ रहा है, मेरी बात मानो और इस कुत्ते को ले जाकर कहीं दूर छोड़कर आ जाओ, बोली। तब चोटू, अरे तुम चुप रहो, मेरे टाइगर को पकड़कर कुत्ता बोलती है और उसे कहीं ले जाकर छोड़कर आने को बोलती है, क्या समझ रखी हो उसको, कहा। तब उसकी पत्नी, क्या समझना चाहिए, नालायक कुत्ता कहकर सोचना है, तुमको जो मिल रहा है उस थोड़ा सा वेतन भी उस कुत्ते के लिए काफी नहीं हो रहा है, पहले उसके बारे में सोचो, कहकर गुस्सा होकर अंदर चली गई। तब चोटू को एक विचार आया, हाँ मेरी पत्नी जो बोलती है वो तो सच है, टाइगर का खर्चा ज्यादा हो रहा है, कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ उपाय सोच कर टाइगर से ही पैसे कमाना होगा, सोचा। बाद में वो टाइगर को लेकर स्विमिंग पूल में गया। उधर स्विमिंग करने वाले लोगों को देखकर, ये सब बेवकूफ लोग तो एक घंटे के लिए पैसे देते हैं, लेकिन एक घंटा खत्म होने से भी कोई बाहर नहीं आते हैं, बोल बोल कर मेरा मुंह दर्द होता है, लेकिन ये लोग तो नहीं बदलते हैं, इनको सही सबक सिखाना है, सोचकर टाइगर मैं जो कहता हूँ वैसे करो, कहकर उससे कुछ कहा। तब टाइगर जाकर स्विमिंग पूल में सुसु किया, वो देखकर स्विमिंग करने वाले सब लोग छी छी कहकर बाहर निकलकर उधर से सब लोग चले गए। वो देखकर छोटू हंसकर, अच्छा हुआ है, नहीं तो बाहर आने के लिए कितने बार कहने से भी नहीं सुनते हैं, सोचा। तभी कुछ लोग स्विमिंग करने के लिए आए, उनको देखकर छोटू को एक विचार आया, मेरा टाइगर को बीच में रखकर पैसे अच्छा कमाना है, सोचा। हेलो ब्रदर, ऐसे मजे से एक मुकाबला रखेंगे क्या, इसमें जीतने वालों को 1000 रुपए देता हूँ, ठीक है ना, कहा। तब उनमें से एक आदमी, बोलो क्या है वो मुकाबला, उसके लिए हम भी तैयार हैं, कहा। तब चोटू, कौन पानी में जाकर 10 मिनट रहेंगे उनको मैं 1000 रुपए देता हूँ, अगर हार गए तो आप मुझे 1000 देना चाहिए, ये देखिए मेरे पैसे, कहकर दिखाया। वे सब लोग मुकाबला के लिए तैयार होकर पैसे देकर पानी में उतरे। थोड़े देर के बाद छोटू टाइगर को कुछ इशारा किया, बस वो स्विमिंग पूल में जाकर सुसु किया। वो देखकर स्विमिंग करने वाले सब लोग छी छी कहकर बाहर निकले। उन पैसों को देखकर छोटू बहुत खुश हुआ। ऐसे हर रोज आने वालों से मुकाबला करके उनको पानी में उतरवा कर टाइगर से सुसु करवाते हुए पैसे कमाने लगा है छोटू। एक दिन ये बात जानकर छोटू को पकड़कर अच्छे से पिटाई करके काम से निकाल दिए। उसके वजह से छोटू का नौकरी चला गया और वो लंगड़ते हुए टाइगर के साथ घर वापस चला गया।
स्ट्रीट फूड ईटिंग चैलेंज। एक गांव में चंदूलाल नाम का एक उस्ताद रहता था। वो गांव में सबको कुश्ती सिखाता था। उसके पास जो सीखने आते थे वो उनसे कहता, देखिए मैं जो आपको सिखा रहा हूँ केवल आपके शरीर और सेहत के लिए ही है। ये जो विद्या है वो तो केवल आत्मरक्षा के लिए या फिर किसी को बचाने के लिए ही उपयोग करना चाहिए, कमजोर लोगों को सताने के लिए नहीं है। ऐसा कहकर प्रणाम करेंगे तो ही मैं आपको प्रशिक्षण देता हूँ। यूं कहता था। चंदूलाल के दो बच्चे थे, संगीता चिराग। वो अपने दोनों बच्चों को कुश्ती सिखाता था। चंदूलाल की पत्नी गीता, लड़के को चलता है लेकिन शादी होने वाली बेटी को लड़के की तरह क्या सिखा रहे हो? ऐसे में उसे रिश्ते मिलेंगे क्या? वो 10 लोगों का खाना अकेले खा जाती है, सारा खाना कहाँ जाता है पता नहीं, जब देखो भूख भूख कहती रहती है। यूं बोली चंदूलाल। मेरी बेटी से शादी करने के लिए किसी को भी भाग्यशाली होना चाहिए। यूं कहता था। ऐसे कुछ साल बीत गए। चिराग कॉलेज में दाखिल होने के लिए शहर गया। कॉलेज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई शुरू किया। एक दिन चिराग कैंटीन में जाकर पिज्जा ऑर्डर किया। पिज्जा खाते ही एक पहलवान जैसा व्यक्ति आकर चिराग से पिज्जा छीनकर आराम से खा लिया। चिराग गुस्से से, कौन हो तुम? पिज्जा खाना है तो ऑर्डर करके खाना है ना, लेकिन मेरे पास से क्यों छीनकर खा रहे हो? यूं कहा। बस कैंटीन में मौजूद सारे लोग चिराग की तरफ बड़ी अजीब तरीके से देखने लगे। उनमें से एक व्यक्ति जल्दी जल्दी भागकर वहां आया। उस व्यक्ति ने राहुल से कहा, राहुल भैया ये तो इधर नया आया है, तुम्हारे बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है, उसे मैं समझाता हूँ। सॉरी भैया सॉरी। हां कहकर चिराग को वहां से ले गया। चिराग को कुछ नहीं समझ आया। वो खींच कर ले जाने वाला व्यक्ति, मेरा नाम गौतम है, इस कॉलेज में सीनियर हूँ। तुम इस कॉलेज में नया जैसा लग रहे हो। वो राहुल का पिता इस इलाके का MLA है। उससे पहले वो बड़ा गुंडा था, कितने खून किया और कितने घरों को और जमीनों को कब्जा किया उसका अनगणित है, इसलिए उसके सामने जाकर कोई भी बात नहीं करते हैं। यूं कहा। उस रात संगीता चिराग को फोन मिलाई, और भाई शहर कैसा है, कॉलेज में कोई दोस्त बने? यूं पूछी चिराग। अरे दीदी तुम थोड़ा गैप दोगी तो मैं बात करूंगा, इधर तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कहते हुए राहुल के बारे में सब बताया। जब वो मेरा पिज्जा चुरा कर खा रहा था तो मुझे उसका नाक को चटनी बनाना है कहकर इतना गुस्सा आया, लेकिन पिताजी का बातें याद आकर रुक गया हूँ। वो कॉलेज में सबके पास ऐसे ही खाना चीन कर खाता रहता है, सब लोग उसे देखकर डरते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। झगड़ा किए बिना उसे सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है दीदी। यूं कहा। संगीता, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करो, कल ही तुम्हारे पास आ रही हूँ, कहकर चिराग को कुछ कहकर फोन रख दी। चिराग अगले दिन गौतम से जो उसकी दीदी ने बोला वो सब कहा। गौतम, सुपर आइडिया चिराग, इसके लिए सारा इंतजाम मैं करता हूँ। यूं कहा। अगले दिन संगीता चिराग के पास आई। दोनों मिलकर कॉलेज गए। चिराग संगीता राहुल के पास आए। चिराग राहुल से, भैया ये मेरी दीदी है, आपके बारे में मैंने कहा तो वो सुनकर आपकी बड़ी फैन बन गई है, आपके साथ मुकाबला करके पिज्जा बर्गर सैंडविच खाने के लिए गांव से आई है। राहुल ये तुम क्या कह रहे हो, लड़की से ईटिंग चैलेंज करना है क्या? चिराग, ऐसा मत कहो भैया, आपसे प्रतियोगिता किया है कहकर उनके दोस्तों से गर्व से बोलेगी, मना मत करो भैया। यूं कहा। फिर तभी जैसे गौतम ने कहा कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट्स उनके इर्द गिर्द आ गए। राहुल को मना करने का अवकाश नहीं मिला। अगले दिन राहुल चिराग संगीता के बीच स्ट्रीट फूड ईटिंग चैलेंज का इंतजाम किया गया। कॉलेज स्टूडेंट्स सब मुकाबला देखने के लिए कैंटीन आ गए। वहाँ 3 टेबल्स थे। एक टेबल पर पिज्जा रखे थे, दूसरे टेबल पर बर्गर्स थे, तीसरे टेबल पर सैंडविच रखे थे। राहुल पिज्जा टेबल के पीछे खड़ा था, चिराग बर्गर टेबल के पीछे खड़ा था, संगीता सैंडविच टेबल के पीछे खड़ी थी। चैलेंज शुरू हुआ, तीनों खाना शुरू किए। सब दिलचस्पी से देख रहे थे। राहुल चिराग में कोई एक जीतेगा सोचकर सबने शर्त लगाई थी। सूखी पतली संगीता के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। राहुल आराम से 10 पिज्जा खा गया। गर्व से चिराग की ओर देखा। चिराग हंसते हुए धीरे धीरे बर्गर खा रहा था। 20 बर्गर खा गया। राहुल को डर लगा और एक पिज्जा खाने की सोचा, लेकिन उससे तो हो ही नहीं पा रहा था। संगीता देखते देखते धीरे धीरे 50 सैंडविच खा गई। सब आश्चर्य में थे।
बस यूं ही देखते देखते संगीता पूरे के पूरे 100 सैंडविच खा गई। और बच्चे हैं? यूं पूछी सब लोग संगीता को देखकर तालियां बजाए। उस दिन से कोई भी राहुल से नहीं डरता था। राहुल को अपमानित महसूस हुआ और वो कॉलेज छोड़कर चले गया। राहुल से उन्हें बचाने के लिए सब लोग चिराग संगीता का शुक्रिया अदा किए।